नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता आज आपको एक विशेष टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना चाह रहा हूं। तो आप कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो है कोविड-19 के बाद में जो पेशेंट है वो बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कोविड-19 के जो पेशेंट हैं जो ठीक हो चुके हैं उनको इन लक्षणों के बारे में समझाना चाह रहा हूँ और इनके लिए जो होम्योपैथी की सामान्य दवाएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले कोविड-19 के बाद में जो लक्षण आ रहे हैं उन लक्षणों को आप जान लीजिए। तो कोविड-19 ठीक हो चुका है पेशेंट का, पेशेंट वैसे तो स्वस्थ है, उसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके जो लक्षण हैं वो इस तरह के लक्षण हैं कि वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो लक्षण आ रहे हैं सामान्यतः, वो सबसे पहला चीज है कि उसको बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही है और ये वीकनेस एनीमिया के कारण भी हो सकती है, जैसे ब्लड की कमी से भी वीकनेस हो सकती है। पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आना, वीकनेस होना, एनीमिया होना, ये लक्षण सामान्यतः बहुत ज्यादा लोगों को देखा जा रहा है। दूसरा लक्षण है वेट लॉस होना। कई लोगों को जो कोविड-19 से ग्रसित रहे हैं पेशेंट और अब ठीक हो चुके हैं उनका वेट लॉस हो रहा है। जो नेक्स्ट लक्षण है वो डिमनेस और विजन। डिमनेस और विजन जो है, लोगों को आंखों के सामने अंधेरा सा दिखता है, पेशेंटों को जो आई साइड है वो कमजोर हो गया है। और नेक्स्ट जो लक्षण चल रहा है वो डिप्रेशन। नेक्स्ट जो लक्षण चल रहा है वो लॉस ऑफ मेमोरी। कई लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत ही कमजोर हो गई है, उनको कुछ भी रख दे कहाँ रख दिया याद नहीं रहता। तो कोविड-19 के बाद जो आफ्टर कोविड ये सिम्टम देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम चल रहा है वो स्लीपलेसनेस। कई लोगों को इतना ज़्यादा शॉक लगा है माइंड में कि उनकी नींद आना बंद हो गई है और कई लोगों के जो रिलेटिव्स हैं वो हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और उनके बारे में चिंता लगी रहती है, दिमाग जो है अपसेट रहता है, कई लोगों को नींद नहीं आती कि सुबह क्या होगा पता नहीं। तो इस तरह की स्लीपलेसनेस की सिम्टम्स भी चल रहे हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है वो कॉन्स्टिपेशन। कई लोगों को कोविड के आफ्टर जो है पेट साफ नहीं हो रहा है और कई लोगों को लूज मोशन भी लग रहे हैं, लेकिन लूज मोशन कम लग रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी कोविड आफ्टर देखा जा रहा है। नेक्स्ट जो लक्षण है वो भूख ना लगना। कई लोगों को भूख लगना बंद हो गई है, तो ये ओवर डोजिंग दवाइयों के अधिक उपयोग करने से भी ऐसा हो जाता है। तो ये जो एनोरेक्सिया है, भूख ना लगना, ये आम समस्या बनी हुई है। तो ये लक्षण आपने समझ लिए होंगे, ये कोविड आफ्टर बहुत आम है, देखे जा रहे हैं। कुछ लक्षण तो ऐसे हैं कि जो अपने आप 15 डेज या 1 मंथ के अंदर अपने आप ठीक हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ लोगों में ये ठीक नहीं हो पा रहा है, वीकनेस इतनी ज़्यादा है। तो इसके लिए जो कुछ होम्योपैथिक दवाएँ हैं वो मैं आपको एक जनरल सी दवाएँ बताऊँगा और इसके बाद इसके बारे में जो भी पॉजिटिविटी मैं आपको दे सकता हूँ वो देने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहला लक्षण जो वर्टिगो है, वीकनेस है, एनीमिया है, इसके लिए होम्योपैथी में ये 4 दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जो होती तो बहुत सी दवाएं हैं जो सिम्टम्स बेस पर देते हैं, लेकिन एक आम दवाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहली दवा है जेलसीमियम। इसमें DDD लगती है। इसके मेन जो लक्षण होते हैं उसमें डलनेस, ड्राउजीनेस और डिजीनेस। डलनेस, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, इसका पेशेंट इतना डल हो जाता है कि वो पेशेंट नींद में रहता है और इतना ड्राउजी सा रहता है कि उसकी बॉडी में हिलने तक की क्षमता नहीं रहती, कि वो जैसे ही हिलता है या खड़ा होता है तो उसको चक्कर आते हैं, हाथ पैर सुन्न से होते हैं। तो ये जनरल मेडिसिन जेलसीमियम के बारे में मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी एसिड फॉस। एसिड फॉस एक कोई भी बीमारी हो उसके बाद बॉडी को रीस्टोर करने के लिए, बॉडी की जो जो भी क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन के अंतर्गत आती है। तो एसिड फॉस या फ्लूड का लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, तो एसिड फॉस्फोरिकम जो मेडिसिन है वो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तीसरी मेडिसिन है आपकी फेरमेटिलिकम। ये आयरन से बनती है, मेटल आयरन होता है फेरमेट। ये एनीमिया के लिए बहुत अच्छी बेस्ट मेडिसिन है। तो ये एनीमिया के लिए होम्योपैथी में एक जनरल मेडिसिन है। होने को तो बहुत सी दवाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत ही हेड रेमेडी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है चाइना, जिसको सिनकोना ऑफिसिनेलिस भी कहते हैं। ये मेडिसिन जो है होम्योपैथी की
एक वर्ल्ड फेमस मेडिसिन है, इसी से होम्योपैथी की खोज हुई थी। डॉक्टर हैनीमन ने इसी मेडिसिन से होम्योपैथी की खोज की थी, जिसको चाइना या सिंकोना ऑफिसिनेलिस कहते हैं। ये जनरल वीकनेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है, और फ्लूड लॉस होने के बाद जो वीकनेस आती है, एनीमिया की वीकनेस या चक्कर आना, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और कुछ बायोकेमिक मेडिसिन भी मैं होम्योपैथी के बाद आपको बता रहा हूँ जो जनरल वीकनेस के लिए काम आती हैं। तो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 24, 27 और 28, ये जनरल जो वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए वो 28 नंबर होता है, और ये भी जनरल वीकनेस में यूज होती हैं। एक और जो मेडिसिन है बायोकेमिक, वो फाइफोस है। इसमें तो ये 4-4 टैबलेट दिन में 2 टाइम्स लेने से बड़ा अच्छा लाभ करती हैं। नेक्स्ट जो लक्षण है वो कोविड आफ्टर चल रहा है, वेट लॉस। कई लोगों का वेट लॉस हो रहा है और वो परेशान है कि हमारा वेट लॉस हो रहा है, कारण क्या है। तो इस तरह का कोई बहुत बड़ा लक्षण तो दिख नहीं रहा है कि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, लेकिन कोविड के आफ्टर ये दिख रहा है। तो इसमें होम्योपैथी की दवा अल्फा अल्फा एक दवा है जो बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें नक्स बम का भी, पेट को सही करती है, तो वो भी एक नक्स बम का भूख बढ़ाने में भी काम करती है, और ये वेट लॉस को भी कम कर सकती है। अल्फा अल्फा क्यू 2-5 ड्रॉप दिन में 2 टाइम्स ले सकते हैं। और ये नेक्स्ट जो सिम्टम है, डिमनेस ऑफ विजन, आई से रिलेटेड कोविड आफ्टर बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं। एक म्यूकर माइकोसिस नाम का एक जो फंगस है वो आँख को, और एक्चुअली इसके जो स्पोर्स हैं वो एनवायरमेंट में फैल चुके हैं। तो जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हुई है, तो इम्यूनिटी पावर कम होने से ही तो कोविड हो रहा है, और ये भी जो म्यूकर माइकोसिस है, जिसको पहले जो जाइगोमाइसिटिस फंगस होता था उससे फैलता था, ये वो जाइगोमाइकोसिस भी इसको कहा जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंगस है वो उसके स्पोर्स एनवायरमेंट में फैल चुके हैं, और वो सांस लेने से या आँख के ऊपर या कैसे भी आँख में पहुंच जाते हैं, और आँख पर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं कि आँख को निकालना भी पड़ रहा है। तो डिमनेस ऑफ विजन कोविड के बाद एक आम समस्या भी बनी हुई है, और आँख से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। कई लोगों को तो डायबिटीज होने के कारण भी डिमनेस ऑफ विजन होता है। तो नेक्स्ट जो लक्षण है, तो डिमनेस ऑफ विजन के लिए भी कई दवाएं हैं, जैसे आप फाइजोस्टिग्मा, यूफ्रेशिया और जो है सिनेरिया मेरिटिमा, ये दवाएं सामान्यतः चलती हैं। मैं चूंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का आपको बता रहा हूँ कि डिमनेस ऑफ विजन एक सामान्य कोविड के बाद चल रही है, उसमें थाइजोस्टिग्मा भी काम करती है। तो लक्षणों के मिलान के हिसाब से ये होम्योपैथी की दवाएं दी जाती हैं। मैं सिर्फ एक जनरली आपको एक बता रहा हूँ कि ये दवाएं इनमें काम करती हैं। तो फाइजोस्टिग्मा है, यूफ्रेशिया है, और भी बहुत सारी दवाएं लक्षणों के हिसाब से चलती हैं। तो नेक्स्ट जो सिम्टम चल रहा है वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो इस समय इस क्राइसिस में, जो कोविड क्राइसिस चल रहा है, इसमें सबसे भयानक रूप ले चुका है, क्योंकि कई लोगों के मस्तिष्क में ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कई लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया है कोविड के कारण, कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, बच्चे जो है माँ बाप का साया बच्चों के सर से उतर चुका है, कई लोगों के अपने दादा दादी को खो दिया है, कई लोगों ने मोहल्ले पड़ोस सब जगह जो है अफरा तफरी मची हुई है, तो जगह जगह पूरा निगेटिविटी का माहौल बन गया है। ऐसे में एक तो सबसे पहले आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, ये सबसे पहले ध्यान रखें। और इसमें जो होम्योपैथी की दवाएं हैं वो इमोशनल कॉज के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। वो एक मेडिसिन है इग्नेशिया, दूसरी मेडिसिन है नेट्रम्यूर, इसमें भी एसिड फॉस बहुत अच्छा काम करती है डिप्रेशन के लिए भी। ओरम मेटिलिकम भी इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इग्नेशिया है, नेट्रम्यूर है, एसिड फॉस है, ओरम मेट है। जब इतना डिप्रेशन बढ़ जाता है कि सुसाइडल टेंडेंसी भी माइंड में क्रिएट होने लगती है, तो इस तरह के डिप्रेशन में ऑरमेट भी बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो लक्षण चल रहा है वो लॉस ऑफ मेमोरी। कई लोगों को ये समस्या आ रही है कि वो कहाँ क्या सामान रख देते हैं, उनको खुद ही भूल जाते हैं, फिर ढूंढते फिरते हैं। तो कोविड के बाद लॉस ऑफ मेमोरी चल रहा है, इसमें भी बहुत सी दवाएं हैं, लेकिन एक अनाकार्डियम मुझे याद आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं। स्लीपलेसनेस,
ये भी कोविड के बाद बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखें कि स्लीपलेसनेस ना हो। इसके लिए आप अपना पेट सही रखें, तो पेट को सही रखने के लिए नक्स बम का एक बहुत अच्छी दवाई है, और नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ कालीफॉस। कालीफॉस होम्योपैथी में भी आती है, कालीफॉस 3x 6x 12x बायोकम में भी आती है। ये दवा भी बहुत अच्छा काम करती है स्लीपलेसनेस के लिए। इसके लिए बायोकम में एक कॉम्बिनेशन 16 भी आता है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, इससे सर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट जो सिम्टम है वो कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन भी कई लोगों को ओवरडोजिंग, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा ली हैं, कुछ डॉक्टर ने बताई, कुछ पहले से कोविड के पहले से भी खाते रहे, कुछ टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद अपने आप ही शुरू कर दी लोगों ने, और ओवरडोजिंग के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कई लोगों को लूज मोशन भी लग रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक बहुत ज़्यादा आम चल रहा है। इसके लिए होम्योपैथी की जो दवा है ब्रायनिया है, एल्यूमिना है, नक्सवर्म का है, ये दवाएँ सामान्यतः दी जाती हैं। और ये जो बायोकॉमेन कॉम्बिनेशन 4 नंबर इसमें बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, लक्षण है, वो कोविड आफ्टर चल रहा है भूख ना लगना, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया जो है बहुत आम समस्या बनी हुई है, जो भी जहां भी जिस भी पेशेंट से बात करो वो कहता है भूख नहीं लग रही, तो ये दवा के ओवरडोजिंग से भी हो जाता है, और भी कई कारण है, तो इसको आप समझ सकते हैं, और अपने डॉक्टर से भी पर्सनली जो भी डॉक्टर हैं आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह लीजिए। मुझे जितना ईश्वर ने ज्ञान दिया है उतना बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी आप अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क कर लें। और तो भूख न लगने के लिए आप ये बहुत अच्छी दवा है नक्सवर्म का। दूसरी मेडिसिन है कारोबेस, तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम, और भी दवाएं हैं सिम्टम्स को मैच करने के हिसाब से देते हैं। और इसमें अल्फा अल्फा का मदर टिंचर है, ये भी जो भूख बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये जितना भी मैं आपको कोविड आफ्टर के बाद जो तकलीफें हैं समस्याएं हैं उनके बारे में जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताने का प्रयास किया। आपको यदि हमारा वीडियो ठीक लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही वीडियो मैं आपको बताता रहूँगा, बनाता रहूँगा, और आपके जो नॉलेज है उसको अपडेट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।